अपनी पत्नी को घर में बेरहमी से पीटने वाले और कथित तौर पर गर्लफ्रेंड के घर पकड़े गए मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा का वायरल वीडियो देखकर आपने उनके बारे में चाहे जो राय बना ली हो, लेकिन उनकी बेटी उन्हें बिल्कुल पाक साफ मानती है। पिता के बचाव में सामने आई बेटी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को भेजी है। पिता के हक में लिखी गई इस चिट्ठी की खास बात यह है कि इसमें एक बेटी अपनी मां को मानसिक रूप से बीमार बता रही है, जिसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है मेरे पिता की जिंदगी को बर्बाद करना। प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीजीपी और गृह मंत्री को संबोधित इस चिट्ठी में पुरुषोत्तम शर्मा की बेटी देवांशी गौतम लिखती हैं, इस पत्र के जरिए मैं अपनी मां की लंबे समय से चल रही खराब मानसिक हालत के चलते मेरे पिता द्वारा झेली जा रही मानसिक प्रताड़ना के बारे में बताना चाहती हूं। ऐसी मां की बेटी होने के नाते मैं दुर्भाग्यपूर्ण और मुश्किल हालात में हूं, लेकिन मैं अपनी मां द्वारा किए गए इस नाटक को सह नहीं सकती, इसलिए कुछ तथ्यों को साझा कर रही हूं। मेरी मां लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उन्होंने कई बार घर को जलाने की कोशिश की है। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे भी मारने की कई बार कोशिश की है। यही कारण है कि मैं और मेरे पिता उनके साथ किसी भी प्रकार से बातचीत करने में जहां तक हो सके परहेज करते हैं। देवांशी ने चिट्ठी में आगे लिखा, मेरी मां बार बार कहती हैं कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मेरे पिता और मुझे बर्बाद करना है। मेरे पिता द्वारा पारिवारिक विवाद को सुलझाने के बार बार प्रयास करने के बावजूद मां हमेशा पिताजी को भड़काने के लिए षड्यंत्र करती रहती हैं। मेरी मां मेरे भाई को काट छांट कर वीडियो और फर्जी तस्वीरें दिखाकर गुमराह करती आई हैं। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी, पर मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया। लेकिन मेरी मां अपनी क्रूर मंशा को पूरा करने के लिए आज भी मेरे भाई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि हमारे देश में 99.9% महिलाओं को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मेरे मां की जैसी 0.1% महिलाएं भी हैं जो प्रतिष्ठित पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए कानूनी प्रावधानों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करती हैं। चिट्ठी में देवांशी ने यह भी दावा किया है कि उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कई वीडियो और फोटोज हैं, पर वो परिवार और समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं करेंगी। देवांशी ने अपनी मां पर यह आरोप तक लगाया है कि उन्होंने 80 साल से ज्यादा उम्र के उनके दादा दादी के साथ भी मारपीट की है। बेटी की चिट्ठी सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि शर्मा दंपत्ति के बच्चों की इस मामले में अलग अलग राय है। दरअसल खबरों के मुताबिक उनके IRS बेटे ने ही ये वीडियो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस अधिकारियों को भेजे थे और पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि उन्होंने भी इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इधर बेटी खुलकर पिता के पक्ष में आ गई है। हालांकि प्रदेश के गृह विभाग को इस चिट्ठी से कोई फर्क नहीं पड़ा और शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। भोपाल पुलिस कम से कम 2 बार शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा से संपर्क कर चुकी है, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। वहीं शर्मा जिस लड़की के फ्लैट पर गए थे उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शर्मा की पत्नी और बेटे के खिलाफ शिकायत में महिला ने कहा है कि वीडियो वायरल होने से उसकी मानहानि हुई है और उसकी नौकरी भी दांव पर लग गई है। NBTU ऑनलाइन की रिपोर्ट।